पिछले दिन ही हुशियारपुर के टांडा उड़मुड़ विच पिंड जलालपुर विच एक 6 साला बच्ची दे नाल कुकरम दे बाद साड़ के मार देण दा मामला सामने आया सी, जिस दे बाद पुलिस ने दोषियों नूं गिरफ्तार कर जेल भेज दिता। उत्थे अज पीड़ित परिवार नाल सोग व्यक्त करन प्रदेश कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ पुजे। इस मौके उन्हां दे नाल संगत सिंह गिलजियां विधायक टांडा ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਡੋਗਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਔਰ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕੇ ਮਾਥੇ ਪੇ ਕਲੰਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਕਤ ਵੀ ਥਾ ਵੀ ਬੱਸ ਮੇਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਮੇਂ ਕਿਸੀ ਮੌਕੇ ਪੇ ਰਾਤ ਬਿਰਾਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਓਂ ਕੋ ਭੇਜਣਾ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਥੇ ਵੀ ਗਾੜੀ ਬੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਗਾੜੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ पंजाबी भाई बैठे हैं उसके अंदर। परंतु आज ये जिस किस्म की घटनाएं सामने आ रही हैं, मैं समझता हूँ पूरे समाज को शर्मिंदगी का मुकाम है, समाज के माथे पे कलंक वाले लगने की बात है। पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है, अपराधी पकड़े भी गए, परंतु मैं समझता हूँ इन बातों को समाज को भी गंभीरता से लेना होगा। और इस किस्म की, क्योंकि हर कोई भी धर्म नहीं सिखाता बच्ची का अपमान हो, बच्चियाँ सबकी हैं, गरीब की बच्ची, गरीब की भी उतनी इज्जत है जितनी अमीर की हो, सबको एक समान अधिकार है। और मैं समझता हूँ माता जिसे बोलते हैं, जिसे बहन का रिश्ता है, उनको इस किस्म की निगाह से देखना बहुत ही शर्मिंदगी का मुकाम है। हुशियारपुर तो जॉनी गेरा की रिपोर्ट।